हमें पता नहीं होती है तो नुकसान हमें क्या करते हैं कि केले की खेती में, अरे जी धन्यवाद, इधर 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 जी नमस्कार जी। अभी जो इसमें जो बेसिक चीज है ना, मुझे सेंड कर दीजिए, बेसिक चीज है ना, जब ग्लाइफोसेट जो दवाई आती है जो हम एक मिनट इसको हम हर्बिसाइड बोलते हैं, अरे बिल्कुल ये हमारे साउथ की परंपरा है जी जी, थैंक यू नारियल, अरे सर ठीक है फटा हुआ है कि फटा हुआ है? नहीं, आपकी गाड़ी में फट गया है, ऐसा है भैया की गाड़ी में, कल तो अच्छा था। अरे तीन बार दिया आपने वही घुमा, नहीं ये नहीं, ये पहली बार काम नहीं था, कल नहीं था, ये आदमी चालू है ऐसे कि तीन चार बार घुमा घुमा के दिया है मेरे को, नहीं माला भी नहीं था वो साल थी, ये आगे बदल लेना भैया, नहीं ये फ्रेश है बिल्कुल फ्रेश है, वो हम चार बार कर देंगे गाड़ी में ऐसा मजाक से। तो जो ग्लाइफोसेट जो है हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं, ये जो हर्बिसाइड है इसके बारे में बेसिक जानकारी लीजिए, ये जो हर्बिसाइड होता है, ये हर्बिसाइड जैसे ही मिट्टी के कोई भी मिनरल्स को टच करता है वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसकी हाइट, जब इसकी हाइट 2 फीट से ऊपर चली जाती है ना तो आप आराम से ग्लाइफोसेट डाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना है इसके जो पीले हैं इसको पहले काट के तब डालें। अच्छा इस पे डालें बेटा, दूर से इसको इसके पत्ते के ऊपर डालेगा तो नुकसान करेगा, इसलिए पत्ते इसके पीले काट दो पहले, एक आदमी लगा के पीले कटवा दो और फिर कितनी बार भी डाल दो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो एक बार जाता है ना तो क्या है कि ये कचरा जमीन से जड़ों से खत्म हो जाता है, थी, उससे मेरा कतर से जो हाँ, बस समझ गए ना। कितना एज के बाद सर डालें इसको? 2-2.5 महीने के बाद, 2-2 महीने पेड़ इतना जब हो जाए तब डालना, छोटे पेड़ पे तो नुकसान करेगा, तब तक आप पैराकोट डालते रहिए, बड़ा होने के बाद मेरा कतर डाल। इसका इसका सर कंसंट्रेशन क्या रखना है? इसका कंसंट्रेशन जो है वो देखिए, उसकी जो 100 ग्राम की एक पुड़ी आती है, ठीक है, आप एक पुड़ी 15 लीटर पानी में डालनी है, करेक्ट है, 15 लीटर में, 15 लीटर के एक पंप के लिए एक पुड़ी आती है। इसको अच्छा और बेहतर फायदा लेना है तो आपके पास जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल शराब होती है, उसकी शराब 5 ml शराब उस पंप में डाल दीजिए, तो इसका असर इतना होगा कि 5-6 गांठ है उसको भी तोड़ देता है, तो एक ही स्प्रे में 3-3 स्प्रे का रिजल्ट मिलता है। तोड़ देता है वो, उसको कौन तोड़ेगा? नहीं वो इथर होता है, इथर से क्या होता है कि उसकी जो सेल में भागने की कैपेसिटी जो है दवाई वो बढ़ जाती है। स्टिकर लेने हैं साथ में? हाँ, और एक स्टिकर लेना है, खत्म बात, कोई भी चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अभी अभी जो पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, अभी काम करना है कि आपको स्प्रे, इसको ठंडी से बाहर आ रहा है तो इसको हमने अभी ग्रुप में डाल दीजिए, इसको एक दवाई लिख रहे हैं तो 200 लीटर बैरल से बकेट में लेके या तो पंप का नोजल निकाल के डायरेक्ट बकेट से इसमें डालना है, डायरेक्ट चोच में, इसमें चोच ऊपर से ही डाल देना है, चोच में जाए या बगल की इसमें, ये एक्टिव होता है, ये बॉडी में उतर जाएगा तो ट्यूबर से होके न्यूट्रिशन फ्लो बोल के धूम से बाहर आ जाएगा, तो 4-5 दिन में ही पत्ते पूरे छा जाएंगे, ठीक है ना, तो तुरंत मिलता है। अभी स्प्रे करने जाएंगे तो इसके जो पत्ते हैं, इसमें जो पेशी है वो जल चुकी है ठंडी से, ये खाली हरा दिख रहा है, इसमें जान नहीं है, आप समझ रहे हैं, और जड़ों से खाना लेने की उसके आज की स्थिति नहीं है, तो ये दोनों स्थिति में अटक चुका है, तो 2 ड्रेंचिंग जमीन से 1-1 लीटर गोल घुल घोल मिला के और 2 बार ऊपर से डाल दीजिए, 1 महीना फिर जो पौधे आगे भाग जाएंगे, आप समझ रहे, फिर उसके बाद खाद का प्रयोग चालू रखिए, ये रिकवरी फंडा है। अभी बेसल में कोई खाद नहीं देना, अभी कुछ जरूरी नहीं है, अभी बेसल देना है, देना है नहीं देना ऐसा नहीं, लेकिन वो बेसल हम आज देंगे ना 1 महीने के बाद काम हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये 1 महीना है हमारे पास, ये वेस्ट नहीं करना क्योंकि आगे जाके गर्मी में भी फिर लटकने वाला है, बेसल ये सोच के देना है कि ये अभी हम दे रहे हैं लेकिन 1 महीने बाद लगेगा, तो ये बीच के 1 महीने के लिए 2 बार ड्रेंचिंग और ये लगाए तो रिकवरी भी हो जाएगी, छाव भी आ जाएगी, तो कचरा भी घास भी रुक जाएगी, सब अपने कंट्रोल में आ जाएगा। और ये जो गोल लगाया है ये बेड पे लगाने का, ऐसा बेड, अच्छा। पूरा ये ऐसा बेड बना दीजिए, पानी हाँ, पानी यहाँ से भी जाए तो भेज तो अंदर से जा ही जाएगा, ऊपर से सूखा है तो कोई अंदर गड़बड़ है, वैसे ऐसे रखा कुछ कर लिया, अरे केले के डाल दो, ठीक है, हाँ थोड़ा दूर, हाँ
ये और वो एक साथ लगाया था? नहीं, ये थोड़ा बाद में लगा है, इतने में लगा था धान की भेड़। अच्छा, भेड़ काटने के लगाने के बाद इसके बाद इतना लगा, ये पहले का लगा। ये कभी का लगा है? ये जो है जून जुलाई जून का, जून की जुलाई 15 जून के वक्त, ये वही वहां 20 जून और वो वो 20 जुलाई का लगभग 20 दिन का। तो 20 दिन में कितना बड़ा अंतर है? उधर ये बरसात के सीजन में कुछ एकदम बढ़िया टाइम पर मिल गया, फिट करके रखा है, फिट कर लिया, ठीक है ना। ये आपको जो लगता है जैसे कि ये अभी नाप लगा दी, तो ये दो लाइन और बाकी वाली लाइन दिखने में दिखता है कि सही सही में चल रहे, लेकिन इसमें दो तीन पत्ते एक्स्ट्रा है, पत्ते की जलने वाली की स्थिति देखिए कम है, आपको दिखता है कि आप ये देखना जरूरी है। इसके पत्ते जले हैं फिर भी वो हरे पत्ते कितने देखिए, उसके जले हैं तो हरे पत्ते कितने देखिए। ये छोटी छोटी चीजें क्या आपको समझाती है कि ये जो बेड है इसने ठंडी में भी बारिश में भी इसको सर्वाइव किया है जी। लेकिन ये बेड है नहीं, मेड़ है, मेड़ है। अगर होता चौड़ा होता, ये इतना बड़ा चौड़ा होता तो और नजारा अलग होता, समझ रहे ना? समझ गया आपकी बात की, इतनी चौड़ी हो, करेक्ट। वो चाइना ये पानी करते हैं वो पूरी आर पार, आर पार ही चाहिए, क्योंकि पेड़ों के ऐसे नहीं चाहिए, कभी नहीं ऐसे चाहिए, क्योंकि पेड़ के जड़े जो है ये अभी आपने गोल लगाया, जैसे इसमें इतनी चौड़ी चाहिए आर पार, ऐसे पूरी आर पार ऐसे मेड़ बनती जाए, एक बार बना दीजिए लगाने से पहले ही जी, उसी के ऊपर पेड़ लगा दिया जाए। हम आप हमारी यूट्यूब का इनको लिंक भेजिए, हमने अभी अपने रिसर्च सेंटर पे केला लगाया, अभी लगाया जी, तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे बनाई जाती है और लगता कैसे है केला। तो ये एक एक साल में हम 10.5 महीने में काटते, क्योंकि वेदर भी अच्छा है वहाँ, इतना ठंडी गर्मी आती नहीं, लेकिन आती तो है जरूर। लेकिन ये जो अभी दूसरी चीज जो यहाँ देखनी है, ये जो लील गिरी है, लील बोलते क्या बोलते इसको, काई, ये सबसे घातक है। अच्छा। क्योंकि ये जितना भी खाद डालोगे ना वही खा लेगी, क्योंकि वो भी फोटो ये काई नहीं, ठीक है नहीं, ये काई जो होती है ना, ये काई भी एक जीवन, एक वनस्पति है, जैसे उसको बोलते हैं हम अलगी, इसको अंग्रेजी में अलगी बोलते हैं। ये अलगी भी क्या करती है कि जो आप खाद डालोगे ना, ये खाद को अपनी तरफ खींचती रहेगी और खुद का नेटवर्क बड़ा करती रहेगी, तो आपके पौधों की में खाद और कम मिलेगा, जमीन तक फंगस जो है कम डेवलप होगी, तो इसको खाद ही नहीं मिलने देगी कुछ समय के बाद। इसलिए इसको आप क्या करते हो, कल्टीवेट करते हो, खेड़काड़ करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से आगे करना क्या है कि ये जो आप जहाँ फील्ड में खड़े हैं, इस फील्ड को अगले 12 से 15 दिन तक पूरा पानी खींच लेना है, ढेर ऐसे फटने दो, जब फटेगा ना तो हाँ जमीन अंदर तक स्पोरल होगी और इसका नेटवर्क टूट जाएगा। जैसे इसका नेटवर्क टूट जाता है तो इसकी जान निकल जाती है, वो ज्यादा समय तक रहेगी नहीं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये ठंडी और छाव ये दोनों से ये बनती है, हाँ ये जहाँ पानी ज्यादा रहता है वहाँ ये बनती है, पानी कम है वहाँ ये बनेगी नहीं। तो ये एक दफा निकलनी चाहिए, निकलने का दूसरा रास्ता बताया कि आप पंप में फॉस्फेरिक एसिड 5 ml/L लेके इसमें स्प्रे करोगे ना तो ये जल जाती है, ये भी होता है, लेकिन वो पैसे वाला काम है, फिर पैसा लग जाएगा। सल्फ्यूरिक नहीं होता है इसमें, फॉस्फेरिक से ही जलता है ये, 5 ml/L से फॉस्फेरिक स्प्रे करोगे तो ये जो नीले हरे वाला, हाँ अलगी काई जल जाए। अच्छा, यहाँ देहात में ये कहते हैं देखो काई है, हमने खाद डाली कैसे काई जाके बहुत बढ़िया खेत हो गया। नहीं नहीं, 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 नहीं खाद डालते हैं, दरअसल काई जो है धान के लिए बेटर होती है, धान के लिए, लेकिन इन फसलों के लिए नहीं, इन फसलों के लिए नहीं। लेकिन मैं उल्टा साइंटिफिकली बताता हूँ, काई जो होती है उसके भी टाइप है, ब्लू अलगी होती है वो धान के लिए काफी अच्छी है, ब्लैक वाली, हाँ ब्लू अलगी, ब्लू होती है वो, कलर उसका अलग। वो अगर धान में क्या करती है, हवा के, अभी देखो हम जहाँ खड़े हैं इस एक एकड़ खेत के ऊपर 16,000 kg नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, ऊपर है, लेकिन फिर भी प्लांट को नहीं मिलता है। वो होता है N2 फॉर्म में होता है, वो जब उल्टा फॉर्म में आता है 2N तो इसका खाद है, अभी वो गैस फॉर्म में है कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो जीव अलगी जो है ये क्या करती है, ये N2 फॉर्म का जो ऑक्सीजन है उसको लेने की ताकत खाली अलगी में, और वो लेके वो अपने बॉडी से 2N करके देती है, तो किसको देती है, बाकी वाली फसलों को देती है। लेकिन वो अलगी कौन सी है, ब्लू अलगी है, ये अलगी ग्रीन है, ये आपके खाद भी ले लेंगी,
खाद अपनी तरफ लेती रहेगी, खींचती रहेगी और आप खुद को बड़ा करती रहेगी, स्टोर करती रहेगी, तो ये अपने लिए नुकसान है, समझ रहे हैं? ठीक है। और अभी यह रिकवरी के मूड में है, ये क्या है कि अगले 1.5-2 महीने में डिलीवर कर देगा, तो उसके लिए तैयारी। जैसे केला में नमी हो इसलिए जल्दी पानी नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए। ये ज्यादा पानी का हमारे दिमाग में उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि लोगों को लगता है कि जितना पानी दे उतना कम है। यहाँ कहते हैं धान पान और केला, ये तीनों पानी के केला। ये देखो ये हमने केला जुतवा के मिट्टी जुतना नहीं है। अभी अगर जुताई करेंगे ना तो इसके जो आधार के जो जड़े है इसमें 9 से 11 फीट दूर जाते हैं, ये टूट जाएंगे, ये टूटेंगे तो इसके बैलेंस निकल जाएगी, ये फिर गिरेगा केला, गिर सकता है बारिश में। तो आगे मिट्टी लगा दिया साथ में, गलत हुआ। हमने रूटावेटर से जुतवाया, इतना जुतवा के, उतना भी जुतवाना है तो दो चीजें करो। आपको दिमाग में लगता है कि अलग खाटनी है कुछ जुतवाना है, तो एक करो यहाँ से 8-10 दिन पानी तोड़ दो। पानी टूटेगा तो पानी नीचे उतर जाएगा, नीचे उतरता है तो मूली क्या करती है, पानी के लिए नीचे उतरती है, जड़े नीचे उतरते हैं। 3 इंच गहरी जुताई हो, हाँ 3-4 इंच उताई हो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन करना गलत है, गुना है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना, तो सिस्टम से करो। पहले क्या करो, 8 दिन पानी रोक दो, रुकेगा तो फट जाएगी, पानी नहीं मिलेगा तो जड़े क्या होगी, पानी की ढूंढते नीचे उतर जाएगी, उतर जाएगी तो ऊपर से जड़े नहीं है तो काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कटती है, लेकिन ऐसे गीले में काटेंगे तो नुकसान है, गीले में ऊपर, तो उसको 8-10 दिन तक पानी रोक के काटो तो ठीक है। तो खाद का भी डोज प्रयोग करो जी, समझ रहे? मिट्टी बिल्कुल नहीं लगाना, अब अभी लगा सकते हैं लेकिन समय गया ना, मिट्टी लगाना ही नहीं होता है, मिट्टी के ऊपर लगाना है। ये जो केले मेड़ा बना के लाउटे सर, इसको बंद करने की जरूरत है क्या? नहीं, अभी ये भी सीख लो, अभी ये काफी जरूरी चीज है। ये जो होता है ये प्रेगनेंसी है, ये बच्चा पैदा हो गया, ये अभी शिफ्ट होते ऊपर आएगा तो इसका चौड़ाई बढ़ता रहेगा, ये जैसे ऊपर आता रहेगा इसका चौड़ाई बढ़ता रहेगा, हमें लगता है कि आ गया, इतना जे बड़ा है तो ये बड़ा होगा, समझे ना? बराबर ना? ये हमने बाबू जी अभी जुतवा के फिर सुखवा के मिट्टी लगवा दिया, इतनी मिट्टी तो देखो ये दफन हो गए ना, क्योंकि ये जो जड़े है इसकी 2 गांठें होती है, इसके नीचे 1 गांठ होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये जो होता है कभी निकाल के देखिए, जम हो गया एकदम, ठीक है, तो ऐसे होते हैं, चिकट है यहाँ की, नहीं आएगी। अच्छा मिट्टी लगवाना वो गलत है, काफी गलत है ना, पूरा गलत है। एक बात मैं आपको समझाता हूँ, देखिए हम समझा रहे हैं इनको, जब केला टूट रहा ऊपर से टूटेगा, नीचे से नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, नीचे से नहीं टूटेगा, मिट्टी लगाने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि केले में, गन्ना और केले में फर्क क्या है, गन्ना नोड क्रॉप है, नोड गन्ना जो है इसमें पोड़े होते हैं, गन्ना जो होता है नोड जॉइंट होते हैं, और हर जॉइंट में मिट्टी लग जाते हैं, जड़े आती है, इसमें ऊपर मिट्टी लगने से यहाँ जड़े आएगी नहीं, तो फायदा क्या, उल्टा ये जड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ जाएगी। हमने तो पहले साल लगाया केला, अच्छा सब बता रहे हैं कि केला गिर जाता है, इन्होंने मिट्टी लगाते रहे, हमने आज मिट्टी चढ़वा दिया, इतनी मिट्टी चढ़वा दी। बाबू जी सुनिए, इतना वजन पेड़, उसके बाद 25-30 किलो की गहर, इतनी मिट्टी रोक ही नहीं पाएगी उसको, वो खाली लगता है कि लगी है तो रोक लिया। और केला टूटेगा यहाँ से टूटेगा ना कि यहाँ बना के तक केला लगाए, जैसे समझाने की बात जो है ना, इसमें पानी भी कम लगेगा उनका, क्या तुम भर दे पानी, तो सुनिए अभी जो देखिए आपको समझने की बात है कि पहले जो आती है ऐसा कंद होता है, ट्यूबर कंद है, नीचे कंद है, ट्यूबर बोलते हैं उसको, कंद ही बोलते हैं आपके भाषा में, क्या बोलते हैं, कंद है, ये कंद के ऊपर का ये पेड़ है, ये जो दिखता है ये ऊपर का हिस्सा है, ऐसा होता है, ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, ऐसे दो मटके एक दूसरे को चिपके है। अभी नीचे का मटका जो है अगर जमीन में नीचे डाल दिया तो ये ऑक्सीजन ढूंढते ऊपर अपने आप आ जाता है, और ऊपर भी लगा दिया, ऊपर बेड के ऊपर लगा दिया तो ये नीचे मटका अपने आप नीचे उतर जाता है, और ये जो है जॉइंट ये ऊपर हवा की तरफ ही रखता है, ये जमीन में कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो इधर की ऊपर की रचना जो है ये जड़ों की नहीं है, इधर आंक ही नहीं है, ये पत्ता है, ये पत्ते है, आप छिलते जाओगे तो कुछ अंदर है नहीं, ये पत्ते है, ये पत्ते जमीन के ऊपर चाहिए, और जो कंद है वो जमीन के अंदर ऑलरेडी वो जमीन के अंदर गया है, वो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑक्सीजन के कक्षा से नीचे उतरता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कक्षा से ऊपर आ जाता है, बीच की कक्षा यानी 6 इंच की जमीन में रह जाता है। अभी वहां उसको नीचे वाला जो कंद है
आप समझिए, नीचे वाला जो कंध है ये नीचे वाले कंध को नीचे से एक लाइन, ऊपर से एक लाइन घूम लाइए जी मिट्टी। चलो कोई नहीं, फिर पानी जाने आप ये देखो, ये जड़े है ना, ये जड़े दिखती है आपको, अभी मेरे टूट रही है, इसको ज्यादा है, ये दिख रहे नीचे गए ना। इसे आप काटते हुए इसको काट देते हैं। ये जड़े दिखती है जी, ये जड़े 9 से 11 फीट दूर जाती है, हाँ दूर, ठीक है, फैली तो बहुत दूर। अभी अभी ये जड़े कितने दूर है, ये देखिए, ये इतने यहाँ तक दिए है, ठीक है जी। अगर ये जो जड़ है, ये जड़ को अगर हम यहाँ कल्टीवेट करने जाए, यहाँ से ये नजदीकी से, ठीक है, ये नजदीकी से, तो ये टूटना चालू होगी, तो ये गिर सकता है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जड़े क्या करती है, इसको बैलेंस कर दिए। और दूसरी जड़े जो है बार बार आने वाली, ये छोटी छोटी जड़े, ये जो आते हैं ना बड़े साइज में आते, इतने बड़े, ये भोजन उठाती है, तो होती है 18 इंच इतने में। और ये जो लंबी जड़े है, शुरू के कंध जो नीचे है, एक ऐसा कंध है, ये कंध से जो चिपकी हुई है वो 9 से 11 फीट है, वो इसको खड़ा रखती है। इसलिए मिट्टी चढ़ाना, एक 10 फीट की पाइप अगर खड़ी रखनी है तो उसको 2.5 फीट जमीन में गाड़ना पड़ता है, तो खड़ी होती है। अगर ये केला 12 फीट का ऊंचा है तो इसको 3 फीट मिट्टी लगा के फिर मिट्टी से खड़ा कराया जा सकता है। मिट्टी से रखा तो फिर 35 किले का नुंगर आएगा तो क्यों खड़ा नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी से केला कभी नहीं खड़ा होता है, आप समझ रहे हो ना। नहीं, हम सब ये सब हमने तो पहले ना आवारा हुआ है, तब तो पहले बहुत से बात और है, अगर हम मिट्टी लगाएंगे ये जो गांठ है पहले ही आ जाएगी और खाके ना, ये समझ नहीं पेड़ी में दिक्कत, ये ऐसा होता है ना, ये देखो नीचे वाला गांठ है, इसको जब अगर हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये ऊपर आ जाता है, उल्टा ये जमीन के जड़ों का नेटवर्क जो फूट से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लगाने के समय बेड बना के, इसको बेड क्या बोलते हैं, बेड बना के उसके ऊपर लगा दो और भूल जाओ, क्योंकि कभी मिट्टी ना लगाओ, कभी नहीं। हमें जो लगता है कि इसके इतने में ही जड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो इतना बड़ा अगर पेड़ है, इतना बड़ा अगर ये अपना बेड है, तो बेड में 27 इंच चौड़ाई चाहिए, केले में 27 इंच के बीचों बीच में अगर केला में लगाते हैं तो जड़ों का विकास कैसे होता है, एक इंच जब बाहर आती है तो जमीन की ग्रेविटी उसको 1/2 इंच नीचे खींचती है, तो जड़े ऐसे 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 जमीन में जाती है, तो ये 13 इंच इधर 13 इंच इधर 26 इंच हो गया, यानी टोटल पौधे का 1 इंच तो 27 इंच हो गया, तो 27 इंच यानी 13 इंच जड़े जब इधर आती है तो 8 इंच जमीन के नीचे जाती है, तो बेड खत्म हो जाता है जी। तो इसकी ग्रोथ नहीं रुकती है, और हवा का कंटिन्यूस वर्ष पूरे साल बेड पे रहती है, तो एक भी जड़े मरती नहीं, आप समझ रहे हैं, तो ये मजबूत रहता है, इसलिए बेड ही चाहिए। ठीक, धन्यवाद सर।